अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। तो जी, ये लास्ट व्लॉग है इस साल 2024 का, लास्ट रमज़ान का व्लॉग है। इंशाल्लाह इसके बाद ईद का व्लॉग आएगा। तो 2024 का इफ्तार का ये लास्ट व्लॉग है। और यहाँ पर जी तैयारी हो रही थी इफ्तार की, जो कि ये लास्ट दिन का व्लॉग है। और यहाँ पे मैं बना रही थी पास्ता, क्योंकि बच्चों को पास्ता पसंद है। तो बस अंडे वाला झटपट किस्म का पास्ता, अनियन को सॉटे कर लेना है और उसमें ग्रीन चिलीज़ वगैरह डाल दें और बेसिक मसाले के साथ इसे थोड़ा अच्छे से फ्राई करें। उसके बाद इसमें बॉयल पास्ता डाल दें। तो बस ये झटपट बनने वाला पास्ता बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होता है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान क्या ईद में भी आप ट्राई कर सकते हैं इस तरह से, और बच्चे भी काफ़ी आराम से बना लेते हैं। तो बस यहाँ शाम का टाइम हो चला था, और आज एक तो बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी आपसे मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। चाट की रेसिपी है जो इस साल ईद में आप बना सकते हैं। तो यहाँ जी, मैंने ईवान की तबीयत थोड़ी गड़बड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से फ़ीवर वगैरह हो गया था, तो उसे मेडिसिन दी। फिर यहाँ मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैंने ज़ीरे को थोड़ा तड़का लगा लिया था, ज़ीरे का और उसके साथ साथ लाल मिर्च का। फिर थोड़ा सा अनियन डाल करके इसे सॉटे किया। फिर इसमें चला जाता है जी रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, और इसके साथ साथ थोड़ा गरम मसाला पाउडर। और उसके बाद ये बॉयल किए हुए इसमें छोले डाल दें, जिसे आप नॉर्मल मटर भी हम कह सकते हैं। तो इसे डाल करके एक प्रेशर लगा लें। ये रगड़ा चाट की रेसिपी अब बहुत मज़ेदार बन के उतरती है झटपट। तो ईद के मौके पर इसे ज़रूर ट्राई करें। फिर स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह मैंने यहाँ पर मार्केट से मंगवा लिया था ये आलू वाले समोसे, और यहाँ पर फिर मैंने इसे असम्बल करना शुरू किया बिल्कुल इस तरह से। स्टेप बाय स्टेप आप देखती जाइए। तो जी, यहाँ दही से गार्निश करने के बाद, गार्निशिंग करने के बाद यहाँ पर चला जाता है जी सेव, उसके ऊपर से इमली की चटनी, ग्रीन चिलीज़ जो मैंने कट करके रखी हुई थी, और ये थोड़ी सी मेरे पास लेफ़्ट ओवर चटनी बची हुई थी टमाटर और धनिया की। तो धनिया का इसमें नाम बराबर आपको दिखेगा। उसके बाद से चला जाता है चाट मसाला, क्रश किया हुआ प्याज, और उसके साथ चला जाता है धनिया पत्ता, और इसके ऊपर भुना हुआ ज़ीरा और लाल मिर्ची का ये डाल दे पल्प। उसके बाद ये हमारी बन करके लास्ट इफ्तारी बन गई है, और ये है आज का इफ्तार। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं ईद की रेसिपी पे। ईद में थोड़ा चटपटा खाने का दिल करता है, तो उसके साथ। तो चलिए, अब यहाँ ये पहले की एक, कुछ दिन पहले की एक क्लिप थी, लास्ट इफ्तार व्लॉग है ये भी। शेख जायद की लास्ट विज़िट है इस रमज़ान की। तो हम लोग चले आए थे, शाम का टाइम हो रहा था। ये शेख जायद मॉस का पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वॉइसिंग के साथ नहीं किया था। तो ये मॉस्क बिल्कुल सिटी के बीचों बीच है, और काफ़ी बड़े एरिया में बनी हुई है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उसने पूरे 300 दिन, पूरे 30 डेज़ इफ्तार डिस्ट्रीब्यूट किया, और यहाँ इफ्तार पार्टियाँ, इफ्तार पूरा अरेंजमेंट था इफ्तार का। लगभग 50,000 से ऊपर ही लोगों ने इफ्तार वगैरह किया। तो ये बहुत खूबसूरत सी अबू धाबी का मेन अट्रैक्शन कह लीजिए, या ये यूँ कहिए कि इतनी खूबसूरत मस्जिद है, पूरे संगमरमर से और इससे बनी हुई, पूरी एक कारपेट पर। ये इसकी जो कारपेट है वो बहुत खूबसूरत है, और कहीं भी ना कट के पूरी एक ही कारपेट पर ये मस्जिद है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने इस्लामी को बहुत अच्छे से मतलब क्या कहेंगे, दिखाती हैं।
कल्चर को अपने, और म्यूरल का भी इसमें बहुत ज़बरदस्त काम है। तो मैंने छोटी मोटी क्लिप यहाँ पर बनाई है और यहाँ फैमिलीज़ के लिए एक अलग एरिया बना हुआ है, इफ्तार का, बैचलर्स का एक अलग एरिया बना हुआ है। तो जी हम लोग भी जा रहे थे, हम लोग भी रमज़ान में दो बार चक्कर लगाया इधर। तो आज सोचा कि आपके लिए ये वीडियो मैं वॉइसिंग के साथ शुरू करूं। तो यहाँ पर चले आए थे हम लोग, बस यहाँ पे छोटी मोटी वीडियोस और क्लिप्स हम लोगों ने बनाई। यहाँ सिक्योरिटी वगैरह बहुत ज़्यादा ये है, बिना किसी चेकिंग के अंदर जाने नहीं मिलता है। लेडीज़ जो हैं फुल अबाया या फुल स्लीव्स, और बिल्कुल मस्जिद का एरिया है तो बहुत तरीके से कपड़ों में जाना पड़ता है। और उसके साथ साथ ये भीड़ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। तो एक लार्ज इसमें इतने ज़्यादा अवतार को मैनेज करना, इतने लोगों को मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और पूरा का पूरा 30 दिन अवतार और सारा कुछ टाइम मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, 27 की जो भीड़ थी, 27 रमज़ान की यहाँ शब कदर की, वो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो वो भी हम लोगों ने देखा। तो मस्जिद में तो खैर जगह बिल्कुल भी नहीं थी, और ये बहुत खूबसूरत मस्जिद अंदर से बनी हुई है। तो यहाँ पर लोग अपने अपने वीडियोस और क्लिप्स बनवा रहे थे। और ये देखिए दिन में ये मस्जिद कुछ और ही दिखती है, और जैसे रात होती है तो इसकी लाइटिंग वगैरह इतनी खूबसूरत है कि कुछ जगहों से ये ब्लू कलर की दिखती है, कहीं से पर्पल दिखती है। तो ये सब लाइट का कमाल है और सारा कुछ। तो ये सारा ये यहाँ पर है। और ये यहाँ की सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ ये है कि ये मस्जिद जो है हर लोगों के लिए खुली है। यहाँ हर कोई आ जा सकता है, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, आप जो भी हैं, जिस भी इसके हैं, आप यहाँ आ सकते हैं आराम से। और बस यही है कि जो लेडीज़ हैं उनको फुल स्लीव्स गाउन या अबाया कह लीजिए ये ज़रूर होना चाहिए। ये एक बस ये है। और ये सारा मस्जिद के अंदर का एरिया है, और ये आबान और उनके अब्बा हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, और जब शाम होगी तो ये मस्जिद की खूबसूरती कुछ और ही बढ़ जाती है। आगे चल के वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जी मस्जिद इफ्तार का टाइम बिल्कुल हो रहा था, 6:30 के आसपास होने वाले थे, और सूरज बिल्कुल ग़ुरूब हो रहा था। और ये देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है सूरज की, डूबते हुए सूरज की रोशनी में। तो और ब्रश तो ज़ाहिर सी बात है कि अब रमज़ान ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम तो था नहीं, तो दिन ब दिन ब्रश बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और ये देखिए ऊपर हेलीकॉप्टर से और इससे चॉपर से ये सारा ऊपर से ये देखा जाता है। और ये है, ये सबसे लास्ट वाला जो ग्राउंड है उसमें ये इफ्तार है, और अंदर तो पूरी जगहों में इफ्तार है। तो हम लोगों को यहाँ पर जगह मिली थी, पहले दिन भी यहाँ पे ही मिली थी और लास्ट दिन भी यहीं पर हम लोगों को मिली। तो यहाँ पर की मैंने क्लिप छोटी सी बनाई है, अंदर में तो बिल्कुल जगह नहीं थी। और हर एक एरिया बना हुआ है, तो यहाँ पर फैमिलीज़ का एरिया है जिसमें पूरी पूरी फैमिलीज़ हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे। लेडीज़ का एक सेपरेट एरिया अलग है, और उसके साथ साथ बैचलर्स का एक अलग है। और सबके इस पे एक एक सामने में बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स में आपका इफ्तार मील है, और उसके साथ साथ एक शॉपर में पानी है, लबन है और जूस है, ये सब अलग अलग से उस पैकेट में करके वहाँ पर रखा रहता है। और ये देखिए हम माँ बैठी यहाँ पे बैठ करके फ़ोटो और सेल्फीज़ ले रहे थे।
तो सोचा कि छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे बैठ करके, ईवान ने तो बड़ा इन्जॉय किया, बड़े बदमाशी भी की, वो एक ज़्यादा भीड़ देख के रोना शुरू कर देता। तो चलिए आज आपको इस बॉक्स के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो इस बॉक्स में कम से कम 6 से 8 खजूरें होती हैं, ये देखिए। और यहाँ पे इमराना बस अजान होनी ही वाली थी या हो चुकी थी शायद। उसके बाद आ जाते हैं, ये है अरबिक, क्या कहेंगे इसको, अरबिक सालन है। ये है सैलड, सैलड में भी गाजर, ये खीरा वगैरह, ये सारा कुछ होता है। उसके साथ साथ एप्पल है, बनाना है और एक जूस है इसके अंदर, डिब्बे के अंदर। और इसके साथ साथ हम लोगों ने रोज़ा भी खोल लिया था। अब आपको दिखाते हैं, आज हम लोगों को मिला था चिकन। तो ये चिकन का मसबी है, यहाँ की डिश रहती है मसबी, मंदी और यही सब है। तो ये रात का टाइम हो गया था और यहाँ दूर से हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ करके जाने की तैयारी में थे। और ये देखिए छोटी छोटी जगहों पर इस तरह के बॉक्सेस वगैरह बनी हुई हैं। और ये रात में ये म्यूरल जो है ना, ये म्यूरल है पूरा, और इसके नीचे से जो ब्लू कलर की लाइट है बहुत खूबसूरत लगती है जलने के बाद। तो लोग वीडियोस और पिक बनवा रहे थे और ये साथ साथ ऊपर से चारों तरफ मुआयना भी हो रहा था, सब चीज़ सही है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें यहाँ को, यहाँ एक पीसफुल कंट्री इसको ये करती हैं। यहाँ से ज़्यादा पीसफुल तो मेरे ख़्याल से कहीं और भी नहीं है। सबसे ज़्यादा क्राइम फ्री कंट्री कह लीजिए, पीसफुल कह लीजिए। तो ये रात का टाइम था। तो इस तरह आज का ये व्लॉग आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थोड़ी बहुत जो लास्ट मोमेंट की शॉपिंग बच गई थी, ग्रोसरी शॉपिंग ईद की, तो वो हम हस्बैंड आ गए थे बच्चों के साथ, वहाँ से जब निकले तो छोटी मोटी शॉपिंग वगैरह की, कुछ ड्रेस वगैरह की और कुछ खाने पीने का सामान था। और बस इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।